लड़ाई है, हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। मुझे किसी पार्टी खास से, मुझे किसी शख्स से ये लड़ाई नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि सबको मिलकर चलना होगा। सारी आइडियोलॉजीज के लोगों को इस वक्त कश्मीर के सपनों को नरम लगाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेशराइज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर हालात ठीक करने के लिए एक क्रेडिबल पॉलिटिकल इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए। तब तक यहाँ पर शायद अमन नहीं आ सकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है। हमारे एक दूसरे पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम हर किसी पर सवाल उठाते चले जाएंगे तो शायद हमसे हर कोई मुतासर होके हमसे दूर निकल जाएगा। मुझे आपसे सिर्फ इतनी आपसे तवक्कुल है कि मैंने जो एक छोटी सी कोशिश की है अपनी जिंदगी में, मेरी इस कोशिश में आप मेरा साथ दे देंगे। इंशाल्लाह इस पूरी रियासत के लिए एक आवाज इंशाल्लाह उठी है। मैं नहीं कहता कि मैं नाम बदल हूँ कुछ लोगों का, मैं कहता हूँ मैं एडिशन हूँ आवाजों में। एक आवाज हमने भी उठाई है, इस इलाके से एक आवाज उठी है। इंशाल्लाह ये आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। हमारे मैं इलाकाइयत पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान जहाँ भी है हमें उन सब के लिए काम करना है। गरीब लोग जहाँ भी है, परेशान लोग जहाँ भी है, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ भी है, हम हमारे होते हुए फिर से केवीआईबी और एनआरएचएम और डॉक्टरों के लिस्ट में चोरियां हो जाएंगी, ये हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सुभाषी कल्चर है, इंशाल्लाह सुभाषी कल्चर का हम खात्मा करेंगे। आज हमने जो शुरुआत यहाँ से की है, मुझे यकीन है आपके गांव में आके आपके साथ एक एक करके मैं मिलूंगा। मैं इसी इलाके का हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा मैं इसी इलाके में रहना चाहूंगा, अपने घर पर रहना चाहूंगा, आपके सामने रहना चाहूंगा, आपके दरमियान रहना चाहूंगा। जिंदगी का हर एक लम्हा मैंने आपको डेडिकेट किया है। मेरा फोन कभी चले ना चले, आपके लिए मेरी जिंदगी का, मेरी रातों का, मेरे दिनों का हर लम्हा आपके लिए हाजिर है। मैंने जिंदगी में बहुत छोड़ के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा अब बहुत कुछ हासिल करके ही रहेंगे। आप मेरे पास यहाँ पे आए, आपने वक्त दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं इस समय बात नहीं कर पाया। कुपवाड़ा के जो रस्ता टेबल्स है, यहाँ के सोमा है, मंदी साहब है, बताइए कश्मीर के पुरअमन और बाइज्जत हर के लिए। मेरा जो लही अमल है वो ये है कि हम कश्मीरियों को बड़े ख्वाब दिखाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने बड़े ख्वाब दिखाए हम उनको दिखाएंगे कि छोटी छोटी चीजें कैसे करी जाती है। थोड़ी थोड़ी चीजों में ये कहता हूँ कि कश्मीर मसले पर कल वाइस रिकमेंडेशन होगा, कल आपको अटॉनमी मिलेगी, कल अचीवेबल नेशनहुड होगा, कल प्लेबिसाइट होगा। वो सब जो स्टेक होल्डर्स है वो मिलकर तय करेंगे। पहले आप फैसला करो कि यहाँ पर डिमिलिटराइजेशन होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे जो काले कवानीन है क्या उनको उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, यहाँ पे जो ऐसे लोगों को नजरबंद किया गया है जो पिछले 10-20 साल से नजरबंद है, क्या उनको छोड़ रहे हैं कि वो छोटे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों की कस्टोडियल डिसअपीयरेंसेस नहीं है, क्या उन कस्टोडियल डिसअपीयरेंसेस पर हम कोई उनको उनकी पूछताछ करने वाली है तो नहीं वाले हैं। क्या यहाँ जिन लोगों के, जिन नौजवानों के घरों में रोज उन पर अटैक्स किए जाते हैं, क्या हम उनके बारे में किसी को पूछने वाले हैं? क्या यहाँ पर जो इंसाफ की बात चली है क्या उस पर बात होने वाली है? क्या इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करेंगे? हम पहले इन छोटे छोटे चीजों पर बात करेंगे और इंशाल्लाह इन छोटे छोटे चीजों को हासिल करके उसके बाद बड़ी चीजों की और मजबूर करेंगे उन सारे पावर्स को लेने के लिए जिनको हमारे लिए आवाज की जरूरत है। आप वक्त के साथ साथ चलिए, मुझे मौका दे दीजिए, हमें आगे आने दीजिए। नई लीडरशिप का हम आज तक जिनका इस्तेमाल हुआ है आप वो पावर में आएंगे, आज तक जिनका कोई पूछने वाला नहीं होगा आप वो मिनिस्टर होगा। जिसके घर में कुर्बानियां हुई है आप वो कुर्बानी वाला आगे आएगा और वो हुक्मरानी संभालेगा। अल्लाह ताला ने चाहा हम कश्मीरियों की 1 लाख कुर्बानियों की उसके साथ गद्दारी बिल्कुल भी करने देंगे। अपनी जगह है, एक डेवलपमेंट के रिलेटेड है। मैं अलग अहमान जानकर कहता हूँ कि जो लोग इलेक्शन को कश्मीर इशू के रिजोल्यूशन के साथ जोड़ते हैं वो कौम के लिए, वो कौम की गुमराही में और